मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? और सुहागन आज ये करती, सुहागन आज ये करती, और मीठा प्यारे, अरे सुनो ना, और हटा दो रुख ते चिल मन को मिला लिखी आज रहना, नहीं अच्छी, मेरी बात सुनो, मेरी तबीयत नहीं अच्छी, मुझे बेकार ना छेड़ो, मुझे बेकार ना छेड़ो।
साले हमारी लौंडिया। ये हाल किया किसने, पहला ये हाल किया किसने, बहना ये तुम्हारा है, किया था। मैंने सोचा था आज मैं अपनी बहन के वहां जा रहा हूं, मेरी बहन मुझे देखेगी बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन आज मेरी बहन के मुंह से खून निकल आए, मेरी बहन कुछ बोल नहीं सकती। बहन आज अपने भैया को बताओ आगे क्या बात है। तेरी जुबान कुलपत सिंह ने काट लिया। नहीं बहन, तेरी बहन कितने नाजुक से अपनी बहन को पाला था, सोचा था मेरी बहन ससुराल जाएगी और जब उसके वहां जाऊंगा तो वो मेरा मान सम्मान करेगी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि मेरे घर से विदा होने के बाद मेरी बहन बोलने के लिए जुबान नहीं रहेगी। बहन ये क्या हो गया, क्या हो गया बहन? आज ये कुलपत सिंह हरामी ने मेरी बहन की जुबान काट लिया। मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। तूने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं किया बल्कि अपनी जिंदगी बर्बाद कर लिया हरामजादे। बहन चल मैं तुझे हॉस्टल में भर्ती कराता हूँ, तू ठीक हो जाएगी। और ये सामने जो मंदिर दिखाई पड़ता है, आज से एक प्रतिज्ञा कर, रोज तू इसी मंदिर में रहेगी और मंदिर में माता के सामने अपना माथा टेकेगी। अगर माता को दया आ गई तो तेरी जुबान वापस आ जाएगी। उसके बाद उनका क्या करना ये तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन बहन तेरा बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि तू मेरी जान है, मेरी जिंदगी है, मेरी सब कुछ है। चल बहन चल। Thank you.
मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, आखिर तूने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद और तबाह कर दिया। आखिर क्या बिगाड़ा था तूने? तूने अपने अपने ही घर में और बबूल का पेड़ लगा लिया। तू क्या समझता है तू इतना जमींदार है, इतना ताकतवर है, तो तू जिसकी माँ बहन को चाहेगा उसकी माँ बहन की जिंदगी? बापू क्या बताओ, सब कुछ लूट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब क्या बताऊं आपसे, किस खुशी से मैंने क्या प्यारी बहन का मेरे लाल प्यारी बहन की डोली उठाया था, आज बताते हुए जवान लग खड़ा रही है। बापू जिस बहन को मैंने डोली में अपने हाथों से बिठाया था, आज वही बहन कि जवान ठाकुर जमींदार कुल पश्चिम ने काट लिया और मैं उनका प्रतिज्ञा कर चुका हूं, उनका नामो निशान मिटा दूंगा। बापू आज मुझे कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती उसको बर्बाद होने से, क्योंकि उससे मेरी भोली भाली बहन की जिंदगी बर्बाद किया है। ऐसा कोई काम नहीं करना बेटा, मैं अभी जा रहा हूं थाने में रिपोर्ट लिखाऊंगा। ठीक है बापू, मैं आपकी बात को तब तक मानता हूँ, अगर कानून मेरी मदद करता है तो मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, और अगर कानून वालों ने अगर कुछ नहीं किया तो मैं कानून अपने हाथ पे ले लूंगा अपनी बहन के खातिर। जिन जिन लोगों ने मेरी बहन की आंखों में आंसू लाया है, उसके उन हरामजादों की आंखों में खून के आंसू न रुला दिया तो मेरा भी नाम बिरजू नहीं। ठीक है बापू, आप जाइए। ठीक है बापू, आप थाने जाइए और मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक थाने से वापस। ठीक है। आज कहीं फुलवा नहीं दिखाई दे रही है, मैं उसी की तलाश में जा रही हूं, कैसे जाऊंगी? बुलबुल बोले अंगना मेरे तुम कब आओगे बता सजना, रिपोर्ट लिखवाकर वापस नहीं आए, मेरा जीन घबरा रहा है, मेरी बहन उधर तड़प रही होगी। अरे ऊपर वाले, क्या नाम दूं तुम्हारा? अरे न्यायदाता कहूं या न्यायदाता कहूं, क्या नाम दूं? मालिक किस कुसूर की दी है मुझे सजा, मालिक
जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। मालिक किस कसूर की भी है मुझे सजा, मालिक किस कसूर की भी है मुझे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी। क्या बात है, अब रो रहे हो, आपकी आंखों में आंसू। क्या बताओ किस दुख से मैं रो रहा हूँ, कहो तो कहा नहीं जाता है, क्यों क्या हुआ? लेकिन बगैर कहीं रहा नहीं जाता है। लोगों ने कहा है कि कहने कहने से दुख बढ़ जाता है, लेकिन रोने से दिल कमजोर हो जाता है। अरे जब तक बताओगे नहीं तो मैं कैसे जानूंगी। सुनो तुमको सुनाता हूँ, सुनो तुमको सुनाता हूँ कहानी जो हमारी है। सुनो तुमको जानना चाहती हो तुम। आज शायद तुमने फुलवा का नाम सुना होगा। हाँ, फुलवा को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम अच्छी तरीके से जानती हो, वो मेरी अजीज बहन थी, वो मेरी जिंदगी थी, मेरी जान थी। मैंने बड़ी धूमधाम से उसकी शादी किया था, लेकिन एक दरिंदे ने मेरी बहन की जुबान काट लिया। वो बेचारी दिनों रात मंदिर में दिन काट रही है, उसी अफसोस में मैं जी रहा हूँ। सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे कहना चाहती हो? सुनो, जो दिन पैसा लेने आए थे उसी दिन की बात कुछ रह गई थी, क्योंकि मेरे भैया थे इसलिए मैं आपसे कुछ कह नहीं पाई। देवी जी, मैं तुम्हारा एहसान बंद हूँ, आपने मुझे पहचान लिया। मैंने सोचा था कि आप मुझे पहचान नहीं पाएगी, लेकिन मैंने आप जो ही आपको देखा यहाँ पर तो चकित रह गया कि शायद ये मुझसे ऐसा तो नहीं पैसा मांगने के लिए आई हो। इसलिए देवी जी, इसमें मुसीबत का मारा हूँ, मैं आपके पैसे लौटा नहीं पाऊंगा। पैसे लेने नहीं आई हूँ, बल्कि आपके लिए कोई तोहफा लेके आई हूँ। अरे ये देखो, आवाज कहाँ से आती है? ये पापा जी, मैं आपका हाल देखा नहीं जाता, लेकिन मैं क्या करूं, जिस दरिंदों ने तुम दोनों की हालत किया, क्या मैं जान सकता हूं कौन है? बिरजू छोड़ बिरजू
और नहीं ऐसी बातें ओ जीजा सुनाओ, नहीं ऐसी बात सबको लिखकर बताया था कि उसके पास जुबान नहीं थी, लेकिन आपके पास तो जुबान है, आपने देखा भी होगा। मैं जानना आपके मुंह से चाहता हूं फिर जो भी जा वो उदाहरण दे कौन है। अरे कुल पति ठाकुर जो है तो विद्या सुन रहे हो तुम अपने भाई की करतूत जानती हो, जानती हो तेरे भाई ने मेरे बहन के साथ क्या किया। अगर मैं तुमसे कहता तो शायद तुम ये कहती कि तुम मेरे भाई से जलते हो। देखा मेरे जीजा जी ने क्या कहा कि कुलपत सिंह ने मेरी बहन की जुबान काट लिया, उसके सदमे बर्दाश्त न कर सके मेरे जीजा जी पागल हो गए। बताओ मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का, अब तुम ही बताओ कौन दोषी है कौन निर्दोषी है। लेकिन फुलवा मेरी बहन पता नहीं कि साल में होगी, तुम एक काम करो विद्या, तुम इसी जगह ठहरो, मैं अपने जीजा जी को अस्पताल में हॉस्पिटल कराता हूँ, बिल्कुल इसी जगह पर मिलना, मैं जाना रही कहीं पे मैं। विद्या हाँ आज तुम्हारे नेकी की वजह से मैं मजबूर बेबस हूँ, तुम्हारे एहसानों तले दबा हुआ हूँ। मैं तुम्हें कभी बुरा भला नहीं कहता हूँ, इसलिए क्योंकि तुम एक बहुत नेक अच्छी लड़की हो। तुम आप भी बहुत नेक और भले इंसान लगते हो, लेकिन विद्या तुम्हारी आंखों से कुछ मुझे जाहिर दिखाई देता है। तुम जो कहना चाहते हो कह नहीं पा रही हो, उस दिन भी तुम्हारी आंखों में देखा था, लेकिन उस दिन मैं बहुत जल्दी में था। लेकिन आज जिस काम के लिए तुम आप मेरे पास आई हो वो कहने को तो चाहती हो लेकिन तुम कह नहीं पा रही हो। लेकिन विद्या मैं तुम जो भी कहना चाहो कह सकती हो, ये बिरजू सुनने के लिए तैयार है क्योंकि तुम्हारे एहसानों तले दबा हुआ है। मैं कहना ये चाहती हूँ सुनो। बोलो। थे मजबूरी उसी दम ये मैं जानती, विद्या हाँ
तुम आज कैसी बातें कह रही हो? तुमने जो ये बात कही है कि मेरा साथ उम्र भर निभाओ, विद्या तुम्हें मालूम होना चाहिए बिरजू के पास दुख के सिवा तुम कुछ नहीं पाओगी। और तुम एक बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे बड़े हौसले हैं, तुम्हारी शादी अच्छे घराने से हो जाएगी, तुम्हें बहुत सुख और ऐसो आराम मिलेगा जो कि बिरजू तुम्हें कभी नहीं दे पाएगा। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे मिल जाओ, मानो आप मेरे सब कुछ हो। विद्या अगर तुम्हारी यही इच्छा है, मैं तुम्हारी बात को इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने जो एहसान मुझ पर किया है कोई लड़की ऐसा नहीं करेगी, इसलिए मैं तुम्हारी बात को इनकार तो नहीं करता हूँ। लेकिन विद्या मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए क्या कहना चाहते हो? क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए अक्सर लड़कियों में आदत क्या होती है, प्यार करना तो जानती है लेकिन उसको निभा नहीं पाती। अरे मैं उसमें की लड़की नहीं हूँ, आज किसी और से प्यार करूँ और कल किसी और से करूँ। अगर ये बात है तो उस परमपिता परमात्मा की सौगंध दिखाकर कहो कि चाहे प्यार में जान क्यों न चली जाए लेकिन तुम बिरजू का साथ कभी नहीं छोड़ोगी। अरे मैं शादी करूंगी तो आप ही के साथ और मरूंगी तो आपकी बहू में। अगर ये बात है तो मैं उस परमपिता परमात्मा की सौगंध दिखाकर कहता हूँ, जब तक बिरजू के जान में जान रहेगी, जब तक बिरजू के सांस में सांस भरी रहेगी, ये बिरजू हमेशा तुम्हारे प्यार का। विद्या मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए क्या कहना चाहते हैं, एक बार में हजार बातें कहिए। विद्या जानते हो क्या कहना चाहता हूँ? क्या कहना चाहते हो? प्यार हमारा अमरी रहेगा, याद करेगा जहां, ओ अमरी रहेगा याद करेगा जहां। अगर तुमसे यूं ही प्यार करता रहूंगा तो मेरी बहन रास्ता देख रही होगी, क्योंकि मैं प्यार के मूड में नहीं था लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे रोका। हेलो, तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं दुख का भरा हुआ हूँ, मेरे सीने में वो आग जल रही है, मैं प्यार के मूड में नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे एहसानों ने मुझे मेरे पैरों में बेड़िया डाल दिया, इसलिए मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सका। मुझे प्लीज जाने दीजिए, बहुत ढेर सारे काम करने हैं, अपनी बहन का बदला भी लेना है। आज जा रहे हो, कल आओगे तो हमारे लिए क्या लेके आओगे? अरे तो तुम बोल कर देखो क्या लाना चाहते हो? बहुत देर हो रही है, मेरे बापू मेरा रास्ता देख रहे हैं। जाने का तो मन ही नहीं कर रहा। ऐसा मत कहो, जिस दिन वक्त आएगा और मेरे पास टाइम होगा तुम्हारी झोली प्यार से इतनी भर दूंगा कि तुम कभी तुम्हारा प्यार खत्म नहीं होगा। अरे वो तो हमारे पास बहुत दिन से है, चलो चलते हैं, चलो आओ